कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को लेकर चिंतित विधायक। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारियों के साथ की बैठक। अस्पताल प्रबंधन से ली कोरोना संक्रमण की जानकारी। विधायक ने कोरोना से बचाव के प्रयासों पर दिए निर्देश। सिवनी मालवा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मरीजों को लेकर विधायक की चिंता उस वक्त सामने आई जब विधायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। विधायक ने भूमि पूजन के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों पर भी चर्चा करते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी भी ली। विधायक की संवेदनशीलता और प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के चलते ही सिवनी मालवा तहसील में अपेक्षाकृत मरीजों की संख्या में अन्य तहसीलों की अपेक्षा संख्या कम तो है, लेकिन कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या क्षेत्र को चिंतित कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में शव परीक्षण कक्ष के सामने पैव ब्लॉक लगाने का कार्य विधायक निधि से प्रारंभ किया गया, जिसका भूमि पूजन विधायक प्रेम शंकर वर्मा द्वारा किया गया, जिसमें कोविड 19 प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया गया। इस अवसर पर रघुवीर राजपूत विधायक प्रतिनिधि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी मालवा डीएन सिंह, डॉक्टर कांति बौथम खंड चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर जीआर करोड़े वरिष्ठ चिकित्सा एवं संस्था के अधिकारी और कर्मचारी की उपस्थित रहे। क्षेत्र में कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 100 के करीब है। इस विषय पर विधायक प्रेम शंकर वर्मा द्वारा चिंता व्यक्त की व क्षेत्र की जनता के हित में क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस विषय पर विशेष चर्चा की। अधिकारियों से चर्चा के दौरान विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने नागरिकों में फिजिकल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर के उपयोग को लेकर जागरूकता की बात भी कही। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना के खतरे के प्रति लगातार जागरूक करना होगा। प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क का उपयोग करें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के साथ साथ घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें। सैनिटाइजर का उपयोग के लिए भी लोगों में जागरूकता लाना आवश्यक है।